हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्लिफिल स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एक ऐसा लेटर जो कि जनरली हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछता है, यानी कि संपादक के पास हम लोग आज पत्र लिखना सीखेंगे। मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी बारीकियों को ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं टॉपिक क्या है। तो देखिए, क्वेश्चन है कि आप राजेश या सीमा सेक्टर 13 आर के पुरम नई दिल्ली 11022 के निवासी हैं, हिंदुस्तान टाइम्स साउथ जोन आर के पुरम नई दिल्ली, और उसके बाद पिन कोड है कि संपादक को शहर में भिखारियों के बढ़ते उपद्रव के खिलाफ शिकायत करते हुए पत्र लिखें। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए एनसीईआरटी का जो रूल है उसके हिसाब से एक लेटर लिखने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर किसका सेंडर का एड्रेस यानी जो पत्र भेज रहा है उसका पता होना चाहिए। तो यहाँ पे राजेश और सीमा जो है ये पत्र लिखेंगे और इनका पता ये दिया हुआ है, तो पूरा वही पता हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और सब कुछ लेफ्ट साइड से होना चाहिए, थोड़ा सा मार्जिन आपको ज़रूर छोड़ना चाहिए। देखिए जैसे कि ये पेज है इसमें इतना मार्जिन छोड़ा हुआ है, तो आप भी जब लेटर लिखेंगे तो कम से कम इतना मार्जिन छोड़ दें, ठीक है। ये लेटर लिखने का बहुत ही बेसिक तरीका है। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, जैसे ही आपने सेंडर एड्रेस लिख दिया फिर एक डेट लिखने की ज़रूरत पड़ती है, और डेट आप यहाँ पे लिखेंगे। और ये डेट क्या है, ये डेट है जिस दिन आपका एमटीएस का एग्ज़ाम है टीयर टू का, उसका डेट है 6 नवंबर 2022। ओके, चलिए डेट लिखने के बाद फिर आपको एक लाइन का स्पेस देना है, यहाँ पे भी एक लाइन का गैप था, यहाँ पे उसके बाद भी डेट के बाद भी एक लाइन का गैप होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको संपादक का पता लिखना होगा, यानी जो लोग रिसीव करेंगे लेटर उनका यहाँ पे डिटेल लिखना है, उनका अगर कोई पोस्ट है तो वो पोस्ट लिखिए और उनका उसके बाद उनका एड्रेस लिखिए, ठीक है। तो ये है यहाँ पे रिसीवर एड्रेस, यहाँ पे देखिए रिसीवर एड्रेस है। तो हमने क्या लिखा है चलिए देखते हैं। सेवा में संपादक महोदय, हिंदुस्तान टाइम्स साउथ जोन आर के पुरम नई दिल्ली, और उसके बाद पिन कोड, ठीक है। एमटीएस वाले लोग ध्यान रखें कि यूएफएम का केस बनता है अगर आप अपने से कुछ भी ऐड कर देते हैं तो, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, नई दिल्ली मेरे को पसंद नहीं आया क्योंकि हम नई दिल्ली में रहते नहीं, अगर मेरे को मुंबई पसंद है तो यहाँ पे अगर मुंबई डाल देंगे तो फिर वो यूएफएम लग जाएगा और फिर जीरो, ठीक है, जीरो। और एक बात, जैसे कि मैंने यहाँ पे मुंबई लिख दिया इंग्लिश में और आपने भी यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया तो भी आपको जीरो मिलेगा, क्योंकि अगर आपने हिंदी भाषा चुना है तो उसमें इंग्लिश शब्द प्रयोग ना करें। शब्द का मतलब क्या हो गया, शब्द का मतलब हो गया कि आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट का यूज ना करें, उसके बदले में आपको अगर लिखना है जैसे स्टेशन लिखना है तो आप हिंदी में लिखिए उसको, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लिखते हैं इंग्लिश में तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है और आपको जीरो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए स्टेशन भी लिखना है या जो इंग्लिश टर्म है उसको आप हिंदी में ही लिखें, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंग्लिश शब्दों का प्रयोग ना करें। समझ में आया, जितना ज़्यादा हो सके आप हिंदी शब्द ही प्रयोग करें और उसी से आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। अब चलिए रिसीवर एड्रेस लिखने के बाद एक शब्द का फिर शब्द यानी कि एक लाइन का फिर गैप देना है और आपको विषय लिखना है, ठीक है। विषय भी लेफ़्ट साइड से लिख सकते हैं, कई सारे लोग जो हैं विषय को यहाँ बीच में लिखते हैं, तो देख लीजिए आपकी बोर्ड में यानी कि आप जिस बोर्ड से पढ़ते हैं उसमें कहाँ पर मेंशन किया हुआ है उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लेफ़्ट साइड से ही सब कुछ लिखेंगे। फिर उसके बाद एक लाइन का गैप देने के बाद फिर यहाँ से सैल्यूटेशन लिखेंगे, सैल्यूटेशन। तो जैसे कि ये मान्यवर चाहे तो हम लोग यहाँ पे महोदय महोदया भी लिख सकते हैं, लेकिन महोदया नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे हमने शुरू में ही क्या लिख दिया है, महोदय। तो अगर फिर हम लोग महोदया लिखते हैं तो वो गलत सेंस पकड़ लेगा और वहाँ पे आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखें ये सब छोटी छोटी बातें हैं। हम लोग यहाँ पे मान्यवर लिखेंगे क्योंकि ऊपर में महोदय लिख कर आए हैं, ठीक है। तो मान्यवर आपके प्रतिष्ठित, ठीक है, चलिए, आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से मैं अपने शहर में भिखारियों के बढ़ते उपद्रव की ओर संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यह हमारे देश की छवि पर काला धब्बा की
धब्बा की तरह है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो पूरा लिखा गया है ये है क्या, मान्यवर के बाद जो, यानी कि मान्यवर क्या है ये, तो ये है सैल्यूटेशन। इसके बाद जो स्टार्ट होता है इसको कहते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। तो ये मेरा दो लाइन का है, आप चाहें क्योंकि आप कॉपी में लिखेंगे तो ये 4 से 5 लाइन हो जाएगा, तो फिर दिक्कत नहीं है, आप इसको पूरा ही लिख लीजिए। और इतना तो आपको इंट्रोडक्शन में ज़रूर ही लिखना चाहिए, और ये इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना ज़रूर इंक्लूड करें अगर आप संपादक को पत्र लिख रहे हो तो। ठीक है, हर चीज़ में आपको इतना ही लिख देना है, ये कम से कम याद रखें। और यहाँ से कहाँ चेंज करना है आपको, विषय जो था ना, बस विषय में थोड़ा चेंज कर दें, जो विषय है उसको लिख दें, बाकी यहाँ से यहाँ तक आपका फिक्स रख दें कि यही हमें लिखना है जब एडिटर का आएगा। ठीक है, तो इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लगभग वही रहता है सब जगह एडिटर के पास में, तो ये आपके लिए एक अच्छा चीज़ है। ओके, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, एक शब्द का नहीं, फिर एक लाइन का गैप देना है, और उसके बाद फिर लेफ्ट से शुरू करना है। इसको कहते हैं मेन बॉडी पार्ट, समझ में आया, इसको मेन बॉडी पार्ट। तो यहाँ पर पूरी डिटेल में मैं बात नहीं कर सकता कि कहाँ पे किस चीज़ को क्या कहते हैं, फिलहाल इसके लिए जो है आपको वीडियो मिल जाएगा, आप जो है जब प्लेलिस्ट देखेंगे, जो नया प्लेलिस्ट बनाया गया है सब, उसमें देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया गया है लेटर से संबंधित, कि आप भवदीय किसको लिख सकते हैं, आप जो है आपका प्यारा किसको लिख सकते हैं, या फिर सुभाषिस किसको लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं छोटी छोटी बातें सब बताई हुई हैं, आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग मेन बॉडी पार्ट स्टार्ट करते हैं। आजकल भिखारियों की संख्या अचानक से बढ़ गई है, ये आपको शहर, बाजार, पार्क, रेस्टोरेंट के बाहर और यहाँ तक कि गलियों में हर जगह मिल जाएंगे। अफसोस की बात यह है कि उनमें से अधिकांश ने शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के बावजूद भीख मांगने को अपना पेशा बना लिया है। तो आपने भी देखा होगा कि कई लोग, कई फिल्मों में भी दिखाया जाता है कि भिखारी लोग ज़्यादातर एक्टिंग करते हैं, ठीक है ना, और जैसे ही उनका काम ख़त्म होता है फिर उसके बाद नॉर्मल रूप में आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि कईयों ने इसको अपना पेशा बना लिया है, प्रोफेशन बना लिया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उनमें से कुछ अन्य अपराधों में भी शामिल प्रतीत होते हैं, और कुछ अत्यधिक संक्रामक रोगों जैसे कि कुष्ठ, टीबी आदि से पीड़ित हैं। तो आपने भी देखा होगा कि वो लोग बिल्कुल साफ़ सुथरा नहीं रखते हैं कहीं भी, और अपना शरीर भी बहुत ही गंदे तरीके से रखते हैं, तो उनमें बीमारियां भी उतनी ही खतरनाक होती हैं, संक्रामक बीमारियां उनको पकड़ी रहती हैं। तो उनके संपर्क में जाने पर एक स्वस्थ व्यक्ति भी संक्रमित हो सकता है। तो देखिए वो लिखा भी है बात, वे न केवल स्वयं संक्रमित हैं बल्कि स्वस्थ लोगों को भी संक्रमित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पूरा, इनकी जितनी जानकारियां हैं, जितनी हम लोगों को समझ है, वो सब यहाँ पे लिख देनी चाहिए, अपनी समस्या लिखनी चाहिए बॉडी पार्ट में। ठीक है, अब देखिए कुछ शहरों में कुछ शहरों से तो ऐसी भी खबरें आई हैं कि शाम होते ही चोरी, मारपीट एवं लूटपाट की घटनाएं घट रही हैं। मुझे संदेह है कि इन घटनाओं के पीछे इन भिखारियों का ही हाथ हो सकता है। तो आप भी जानते हैं कि कई जो रैकेट चलाने वाले लोग होते हैं वो भिखारियों का ही रूप धर के अपने काम को अंजाम देते हैं। तो आपको लगता है अगर वैसा पॉइंट आपके मन में बन रहा है तो आप ज़रूर बनाकर उस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब प्रैक्टिस पे निर्भर करेगा, आप लोग प्रैक्टिस करिए। अब MTS एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक है Tier 2 का, तो आप लोग अब प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कई लोग कहते हैं 10 दिन में भी हम लोग लेटर और ऐसे लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं जो लोग की एक्सपीरियंस हो चुका है जिनको, और जो लोग थोड़े से, जिनका राइटिंग अच्छा है, जिनका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होता है, वो लोग लिख सकते हैं 10 दिन में। लेकिन जिनका स्पेलिंग मिस्टेक बहुत है और वो सोचेंगे कि हम 5-10 दिन में कर लेंगे, तो नहीं हो पाएगा और मार्क्स आपके कटेंगे। ठीक है, इसीलिए देखिए बारीकी यहाँ पे स्पेलिंग्स में अगर बता दूँ तो देखिए कई सारे स्पेलिंग्स हैं जो कि आपको बहुत दिक्कत कर सकते हैं, अत्यधिक कई लोगों को नहीं लिखने आएगा, संक्रामक नहीं लिखने आएगा। तो इन शब्दों को कैसे आप करेंगे, प्रैक्टिस से ही ये सुधरेगा शब्द। ठीक है, तो इन सब का प्रैक्टिस करिए और इसका PDF मैं दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा वेबसाइट से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करना है, मेन बॉडी पार्ट के बाद आपको कंक्लूजन लिखना है, और कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन में लिखना है निष्कर्ष कि
इसको कैसे सुधारा जा सकता है, इस स्थिति को बदलने के लिए क्या करना चाहिए, ये आपको उपाय बताना है। तो चलिए हम लोग उपाय बताते हैं संपादक को। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस पत्र को अपने दैनिक में प्रकाशित करें ताकि उच्च अधिकारी इस गंभीर समस्या को तुरंत हल करने में तत्परता दिखा सकें। इसके अलावा शारीरिक रूप से अक्षम या असक्षम एक ही बात है, लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए ताकि उन्हें भीख न मांगनी पड़े। आपने देखा होगा कि जो लोग नाटक करते हैं उनके चक्कर में असली वालों का भी नुकसान हो जाता है, यानी कि एक है कि ओरिजिनल में उसको ज़रूरत है, उसका पेट नहीं चल पा रहा है तो वो भीख मांग रहा है, और एक है कि डुप्लीकेट बन के वो भीख मांग रहा है। तो लोग जो है ना, जब पता चलेगा लोगों का कि अरे ये तो एक्टिंग कर रहा है दूसरा वाला, तो उसको तो नहीं देंगे, ओरिजिनल जो है उसको भी नहीं देते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जो लोग अक्षम है, शारीरिक रूप से जिनको प्रॉब्लम है, समस्या है, उनके लिए रोज़गार की व्यवस्था करिए ताकि उन्हें भीख ना मांगना पड़े। और इस पत्र को आप क्या करिए कि अपने दैनिक में प्रकाशित करिए, दैनिक यानी कि आपका जो समाचार पत्र है उसमें प्रकाशित करिए, जिससे कि जो अधिकारी हैं, अगर अधिकारियों तक मीडिया पहुँच जाता है ना तो वो थोड़ा जल्दीबाजी में काम करते हैं, यानी कि सही तरीके से काम करते हैं। और ऐसे तो आप भी पहुंचेंगे तो बोलेंगे हाँ हाँ ठीक है आपका काम कर देंगे, आप बाद में आइएगा, और वो बाद कितना दिन बाद आएगा कोई नहीं जानता है। इसीलिए मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि आप अगर छाप देते हैं इसको तो वो लोग तत्पर हो जाएंगे और जल्दी जल्दी इस पर एक्शन लेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर जैसे ही आपका निष्कर्ष ख़त्म होगा, एक लाइन का गैप और फिर धन्यवाद, ठीक है। उसके बाद फिर एक लाइन का गैप, भवदीय और राजेश। अब देखिए यहाँ पे हमने सीमा क्यों नहीं यूज किया, ठीक है, सीमा भी तो था क्वेश्चन में। तो सीमा तभी यूज करेंगे जब आप सीमा बनकर लिख रहे हैं, ठीक है। आप सीमा या राजेश दोनों में से कोई एक नाम यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ राजेश यूज किया क्योंकि मैं राजेश बनकर लिखा हूँ। ये कैसे पता चलेगा, तो देखिए यहाँ पर करना चाहता हूँ, चाहता हूँ किसके लिए लगता है, लड़का के लिए ना, तो इसलिए मैंने वहाँ पे राजेश यूज किया क्योंकि मैं लड़का बनकर लिख रहा हूँ। लड़की बनकर लिखूँगा तो सीमा लिख दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा लेटर आपको कैसा लगा एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, आपको क्या सीखने को मिला और आप और क्या चाहते हैं इम्प्रूवमेंट, वो भी आप बताएँ, मोस्ट वेलकम, आपका सजेशन हम लोग ज़रूर स्वीकार करेंगे। और इसका PDF आपको मिल जाएगा वेबसाइट पर, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपके लिए ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, थैंक यू।